हेलो गाइस, वेलकम अगेन माय चैनल। मैं आज आपके लिए नई टिप्स और एक नई ट्रिक्स के साथ आया हूं, जिसमें मैं आज आपको बताऊंगा कि आप किसी भी फॉर्मूले को वैल्यू में कैसे कन्वर्ट कर सकते हो जस्ट सिंपल से स्टेप से। समटाइम कुछ डेटा की रिक्वायरमेंट कुछ ऐसी होती है कि हम अपने डेटा के साथ में किसी भी फॉर्मूले को शेयर नहीं कर सकते हैं, तो उस जगह पे हम इन टिप्स का यूज कर सकते हैं। तो मैं आज आपको पांच तरीके बताऊंगा कि वो पांच तरीके कौन से हैं। तो उसके लिए हम अपने डेटा पर चलते हैं, उसको शीट पे चलते हैं। तो यहाँ पे मैंने एक शीट इंसर्ट कर ली है मैंने, तो यहाँ पे एक छोटा सा डमी डेटा बना के आपको मैं कुछ एग्जांपल से बताऊंगा, मैं आपको पांच तरीके बताऊंगा कि कौन से पांच तरीके से कर सकते हैं। तो फर्स्ट यहाँ पे हमें कुछ छोटा सा डेटा बना लेता हूँ मैं यहाँ पे। इसको ड्रैग कर लेता हूँ नीचे तक, डेटा आ गया हमारे पास। देन इसको यहाँ पे मैं रैंक बिटवीन की मदद से यहाँ पे एक डमी डेटा बना लेता हूँ मैं। देखिए ये डेटा बन चुका है यहाँ पे मेरा ये। अब यहाँ पे मैं आपको एग्जांपल के लिए यहाँ पे एक छोटा सा डेटा बना लेते हैं हम, इसमें मैं आपको बताऊंगा कि ये फॉर्मूला बार कैसे वर्क करेगा, हम किसी भी फॉर्मूले को कैसे कन्वर्ट करेंगे वैल्यू के अंदर। तो यहाँ पर मैं वी लुकअप की मदद से देखिए हमारा आंसर आ गया है। अभी हमारा फॉर्मूला है, देखिए मैंने यहाँ पे वी लुकअप की मदद लिया, तो आप फॉर्मूला बार पे देख सकते हैं। अब मैं चाहता हूँ कि इस डेटा को मैं आगे फॉर्मूले को शेयर नहीं करना चाहता, खाली बस मैं डेटा शेयर करना चाहता हूँ। तो उस केस में हम जस्ट डेटा को अपने जो जहां भी हमारा डेटा होगा जिस सेल को हम सिलेक्ट करेंगे, देन कंट्रोल सी करेंगे, उसके बाद आपको अल्ट प्रेस करना है, अल्ट के बाद ई और एस प्रेस करना है। और जैसे आप अल्ट और ई और एस प्रेस करते हैं, देन आपको एक पेज स्पेशल की एक विंडो ओपन हो जाएगी, उसमें आपको वैल्यू को सिलेक्ट करना है एंड देन आपको ओके करना है। जैसे आप ओके करेंगे तो आपका फॉर्मूला वैल्यू में कन्वर्ट हो जाएगा, आप देख सकते हैं। मैं कंट्रोल जेड करके दोबारा बताता हूँ आपको। मैं आपको जस्ट प्रेस क्या करना है, आपको अल्ट ई और एस प्रेस करना है एंड जैसे आप अल्ट ई एस प्रेस करेंगे तो आपको एक विंडो ओपन हो जाएगी, उसमें आपको वैल्यू सिलेक्ट करना है देन ओके करना है। जैसे आप ओके पे क्लिक करेंगे आपका कोई भी फॉर्मूला वैल्यू में कन्वर्ट हो जाएगा। ये तो हमारा फर्स्ट मेथड हो गया, इसमें हम हमने कीबोर्ड की शॉर्टकट की का यूज करा। मैं आपको बताता हूँ कि आप कीबोर्ड को शॉर्टकट यूज नहीं करना चाहते, अगर आप माउस के थ्रू करना चाहते हैं तो माउस के लिए हमें करना क्या पड़ेगा, तो आपको जस्ट आपको डेटा कॉपी करना है। आपको ये जस्ट मैंने डेटा कॉपी करा मैंने, देन आपको यहाँ पे होम टैब होम मेनू के अंदर आना है। होम मेनू में यहाँ पे फर्स्ट ऑप्शन आ रहा है पेस्ट का, आपको यहाँ देख रहे होंगे। जैसे आप पेस्ट के नीचे ड्रॉप डाउन लिस्ट है प्लस उस पर क्लिक करेंगे, आप जैसे क्लिक करते हैं तो यहाँ पे आपको थर्ड रो के अंदर थर्ड कॉलम के अंदर आपको यहाँ पे दिखेगा एक पेस्ट वैल्यू का ऑप्शन दिखेगा। आपको यहाँ पे वैल्यू वाला फर्स्ट ऑप्शन सेलेक्ट करना है। जैसे आप फर्स्ट पे क्लिक करेंगे आपका कोई भी फॉर्मूला होगा वो वैल्यू के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा। ये देखिए मैं कंट्रोल जेड करता हूँ, दोबारा से बताता हूँ। मैंने इसको कॉपी करा एंड देन मैं यहाँ पेस्ट वाले पे पेस्ट मेनू के अंदर गया एंड देन यहाँ पे मैंने वैल्यू पे ओके कर क्लिक करा मैंने। जैसे मैं क्लिक करा अब ये देखिए ये कन्वर्ट हो गया वैल्यू के अंदर। तो ये हमारे दो ऑप्शन हो गया। आपको मैं थर्ड मोर बहुत इंपॉर्टेंट ऑप्शन बताता हूँ, ये थर्ड ऑप्शन है हमारा। थर्ड ऑप्शन में जहाँ पे भी हमें कुछ बिल्कुल कुछ ऐसा होता है कि जो फॉर्मूला को पेश करते हैं तो हमें कुछ जगह पे तो फॉर्मूला दिखाना होता है कि हमने ये फॉर्मूला यूज करा, कुछ डेटा में हमें दिखाना ये दिखाना होता है कि हमारे वैल्यू दिखाने होते हैं, आपको फॉर्मूला नहीं दिखाना होता। तो उस केस में सपोज कि जैसे कि आपको मार्च में दिखाना है कि मैंने ये फॉर्मूला यूज करा और जून में आपको दिखाना है कि मैंने फॉर्मूला यूज नहीं करा, मैंने बस डेटा मैंने आपको यानी कि किसी भी फॉर्मूले को वैल्यू में कन्वर्ट करना है। तो आपको बता दें आपने मार्च में तो है और जून में हम नहीं चाहते कि फॉर्मूला शो हो, तो उस केस में हम क्या करेंगे, हम फॉर्मूला बार पे जाएंगे यहाँ पे ऊपर अपने सेल को सिलेक्ट करके एंड देन हम यहाँ पे F9 प्रेस करेंगे। जैसे हम F9 प्रेस करेंगे आप देखेंगे आपका फॉर्मूला गायब हो गया और आपकी खाली वैल्यू आ रही है बस यहाँ पे एंड देन हम एंटर कर देंगे। जैसे आप एंटर करेंगे आप देखेंगे आपका फॉर्मूला गायब हो जाएगा। देखिए मार्च में फॉर्मूला आ रहा है, जून में नहीं आ रहा, अगस्त में आ रहा है। अब जैसे हमें अक्टूबर के अंदर फॉर्मूला आ रहा है यहाँ पे देखिए, वील को भी यूज कर रखा है हमने एलेट, ये देखिए अक्टूबर एलेट
अब हम मैं चाहते हैं कि इसको वैल्यू में कन्वर्ट करना, जस्ट आपको फॉर्मूला बार पे क्लिक करना है एंड देन आपको F9 प्रेस करना है। जैसे आप F9 प्रेस करेंगे, अब ये देखिए फॉर्मूला गायब हो गया आपका और आपका वैल्यू आ गई, देन आपको एंटर प्रेस करना है। जैसे आप एंटर प्रेस करेंगे देखिए ये आ गया। अगर मैं आपको इसमें एक छोटे से टिप्स और देता हूं मैं आपको, मैं अब चाहते हो कि आप फॉर्मूला बार पे क्लिक ना करें और उसके हम विदाउट फॉर्मूला बार पे जाए, हम उस पे F9 प्रेस करें और रिजल्ट आ जाए हमारा, तो उसके लिए आपको एक स्टेप और है मैं आपको बता देता हूं। आपको अपने सेल को सिलेक्ट करना है, देन आपको F2 प्रेस करना है। जैसे आप F2 प्रेस करेंगे, अब देखिए आपको ये एडिट मोड के अंदर आ गया है। जैसे ये एडिट मोड में आ जाएगा, आपको F9 प्रेस करना है। F9 प्रेस करते ही देखिए आपका फॉर्मूला वैल्यू में कन्वर्ट हो गया एंड देन आपको एंटर मारना है। अब ऐसे अगस्त के अंदर हम करते हैं, F2 से एडिट मोड में गए हम एंड देन आपको F9 प्रेस करना है, ये फॉर्मूला वैल्यू में कन्वर्ट हो गया एंड देन आपको एंटर प्रेस करना है। देखिए ये हमें बहुत जगह में यूज करना पड़ता है जहां पे हमें अपना फॉर्मूला यूज नहीं करना है। कुछ डेटा ऐसा होता है जहां पे हमें फील कुछ ऐसी होती है जहां पे हमें कुछ जगह पे दिखाना होता है कि हमने फॉर्मूला यूज करा है, कुछ जगह हमें दिखाना होता है फॉर्मूला हमने यूज नहीं करा है, तो आप उस जगह पे इसको यूज कर सकते हैं। अब मैं आपको एक और स्टेप बताता हूँ, उसके लिए मैं यहाँ पे दोबारा से वी लुकअप को यूज कर लेता हूँ। देखिए ये हमारा डेटा है, ये मैंने वी लुकअप तो मैंने डेटा आ गया हमारे पास। अब जो हम उसको यूज करेंगे, हम एक एडवांस वे में यूज जाएंगे, हम एडवांस एक्सेल से थोड़ा सा हम बाहर जाएंगे उसकी मदद के लिए कि हम कैसे किसी भी डेटा को फॉर्मूले को वैल्यू में कन्वर्ट कर सके। तो उसके लिए हम यहाँ पे पावर क्वेरी का यूज करेंगे। अपने आई होप उसने आपने इसका नाम सुना होगा, ये बहुत एडवांस लेवल पे है और इसके मदद से हम बहुत सारी चीजें कर सकते हैं। तो इसके लिए मैंने सेपरेट वीडियो बनाई हुई है, मैंने जल्दी आपको उसको प्लेलिस्ट के अंदर आपको वीडियो मिल जाएगी पूरी। इसका ट्यूटोरियल कंप्लीट ट्यूटोरियल बनाया है मैंने इसका, जिसमें मैंने पूरा डीप लेवल तक समझाया आपको, पूरा कंप्लीट समझाया मैंने आपको इसके अंदर कि आप कैसे पावर क्वेरी का यूज कर सकते हो और कैसे आप इसको एडवांस यूज कर सकते हो। तो उसी का एक छोटा सा स्टेप आज आपको मैं बता रहा हूं मैं आपको। उसके लिए आपको डेटा को सिलेक्ट करना है, जो भी आपको डेटा को वैल्यू में कन्वर्ट करना है तो उसको पूरे डेटा आपको सिलेक्ट करना है, देन आपको डेटा मेनू में जाना है आपको। अब जैसे ही डेटा मेनू में जाएंगे तो आप यहाँ पर देखेंगे आपको बहुत सारे ऑप्शन आ रहे हैं आपको। तो यहाँ पर गेट एंड ट्रांसफॉर्म का एक ऑप्शन आता है, मेनू आता है यहाँ पे, तो उसमें एक फॉर्म टेबल का ऑप्शन आता है, आपको फॉर्म टेबल पर क्लिक करना है। जैसे आप क्लिक करेंगे तो आपको एक ये देखिए ये आपसे रेंज पूछ रहा है, ये आपको रेंज बतानी है कि आपको कौन सी रेंज फॉर्मूला को यानी आपको रेंज टेबल में कन्वर्ट करनी है। जैसे आप इसको रेंज हमने रेंज ऑलरेडी बता रखी थी, हमने जो डेटा सिलेक्ट कर रखा था हमने, तो जैसे हम इसको ओके कर देंगे, जैसे आप ओके करेंगे तो यहाँ पे एक पावर क्वेरी ओपन होगी। तो कभी कभी कुछ पावर क्वेरी ओपन होने में थोड़ा टाइम भी लगता है और कभी कभी आपके सिस्टम की रिक्वायरमेंट पर डिपेंड करता है कि आपके सिस्टम कैसा है, आपके सिस्टम कॉन्फ़िगर कैसा है, तो उसके अकॉर्डिंग ये बात करता है। तो देखिए जैसे यहाँ पे पावर क्वेरी एडिटर मेरा ओपन हो गया है, जैसे आप देखेंगे यहाँ पर ओपन होते ही इसने ओपन होने के ड्यूरेशन के अंदर ही इसने फॉर्मूले को वैल्यू में कन्वर्ट कर दिया है। आप ये देख सकते हैं यहाँ पे। अब हमारा काम अभी यहीं पे इतना ही था, हमें खाली अपने फॉर्मूले को वैल्यू में कन्वर्ट करना था, तो हमारा काम खत्म हो गया है। तो जस्ट हम इसको क्लोज एंड लोड कर देंगे। जैसे आप क्लोज एंड लोड करेंगे तो एक नई इंसर्ट शीट एक इंसर्ट करेगा और वहां पे आपका डेटा ये पेस्ट कर देगा। अब ये देख सकते हैं, ये देखिए यहाँ पे पहले हम शीट 1 पे वर्क कर रहे थे, हम इसने अभी शीट 2 के अंदर आपका ये डेटा सारा पेस्ट कर दिया है। ये देखिए मैं आपको दोबारा बता दूं, ये मैंने कैसे करा था हमने, ये तो मैं एक आपको दोबारा से मैं आपको यहाँ पर फॉर्मूला आके बताता हूँ कि मैंने कैसे करा था। ये वी लुकअप हमारा डेटा था, हमारा हम
हमने अपने डेटा को सिलेक्ट करा जो हमें फॉर्मूले से वैल्यू में कन्वर्ट करना है, देन उसको हम डेटा टाइप में डेटा मेनू में गए, देन हम फ्रॉम टेबल के अंदर गए, हमने रेंज ऑलरेडी डिफाइन कर रखी है, देन हमने ओके करा। ओके करते ही आपको एक विंडो ओपन होगी, आप देखिए यहाँ पे पावर क्वेरी एडिटर, जैसे ओपन होते ही यहाँ पे आपको एक डेटा आपका आ जाएगा जो ऑलरेडी यहाँ पे वैल्यू में कन्वर्ट हो गया है। कन्वर्ट होते ही आपको आपका समझेंगे हमारा रिजल्ट हमें मिल गया, हम इसको क्लोज कर देंगे। हम बोलेंगे कि भैया जैसे क्लोज करके हमारा जैसा डेटा था मैं अपनी शीट के अंदर दोबारा एक्सेल करना घर पहुंचा दें, हमारे जिस घर से हम जहाँ से घर से हमें आपने लेके आए थे हमारे उसी घर पे हमें दोबारा पहुंचा दो, आपने हमारा हमारा काम हो गया है तो हमें घर पहुंचा दो। तो ये हमें क्लोज एंड लोड करेंगे, जैसे हम ये देखिए क्लोज एंड लोड करते ही ये आपका डेटा आपके थर्ड शीट के अंदर आ गया। तो ये हमारी थर्ड फोर्थ ट्रिप थी, और ये आपको मैं फिफ्थ बताता हूँ लास्ट, जिसमें मैंने वीबीए की मदद लिया, वीबीए के थ्रू मैंने इसको करा है। तो वीबीए के थ्रू मैंने इसको कैसे करा है, तो उसके लिए मैं इसको रिमूव कर देता हूँ, मैं दोबारा से यहाँ पे एक छोटा सा बताता हूँ कि वीबीए की मदद से मैंने इसको कैसे करा है। मैं ऑलमोस्ट अपना ज्यादातर मैं वीबीए का ही यूज करता हूँ और पावर क्वेरी का यूज करता हूँ इस काम के लिए मैं, क्योंकि जब मैं अगर हैवी डेटा पे वर्क करता हूँ मैं, तो उस केस में मैं वीबीए की मदद या पावर क्वेरी की मदद लेता हूँ, मैं तो उसको यूज करता हूँ मैं। तो ये देखिए ये हमारा डेटा बन गया, हमारे जब हमने बिल को यूज करा है। तो उसके लिए अगर आपको डेवलपर टैब अगर शो नहीं हो रहा है तो उसके लिए आपको यहाँ पे फाइल मेनू के अंदर जाना है। फाइल मेनू में जाने के बाद आपको यहाँ पे ऑप्शन के अंदर आना है, ऑप्शन के बाद आपको यहाँ पे कस्टमाइज रिबन के अंदर आना है, देन आपको राइट हैंड साइड में बहुत सारे ऑप्शन बहुत सारे मेनू दिखेंगे आपको। तो यहाँ पर आपको लास्ट के अंदर आपको एक डेवलपर टैब दिखेगा, आपको यहाँ पे डेवलपर दिखेगा, अगर आपका ये अनचेक है तो प्लीज इसे चेक कर लीजिए, चेक करके देन इसे ओके करेंगे आप, ओपन करते ही आपको यहाँ पे डेवलपर टैब शो हो जाएगा। जैसे आपको डेवलपर टैब शो हुए तो आपको जैसे हमें इस डेटा को करना है तो हमने डेटा को सिलेक्ट कर लिया हमने अपने, इसे हमें वैल्यू में कन्वर्ट करना है, देन आप डेवलपर टैब में गए, देन उसके बाद हम विजुअल बेसिक में गए, एक मिनट, हाँ विजुअल बेसिक में गए, विजुअल बेसिक में गए, उसके बाद हम इंसर्ट में गए, इंसर्ट के बाद हम मॉड्यूल में गए, मॉड्यूल के बाद यहाँ पे मैंने ऑलरेडी वीबीए की स्क्रिप्ट तैयार करके रखी हुई है, तो जस्ट मैं उसको ओपन करता हूँ। देखिए मैंने वीबीए की स्क्रिप्ट पहले ही तैयार करके रखी हुई है मैंने, तो इसके ऊपर मैंने अलग से वीडियो बनाई हुई है जिसमें मैंने पूरा डिफाइन कर रखा है आपको कि स्टेप बाय स्टेप ये मैंने वीबीए की कोडिंग कैसे करी है, तो आपको डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक भी मिल जाएगा आपको, आप उसकी दूसरी वीडियो देख सकते हैं। तो इसको मैंने कॉपी करा मैंने यहाँ से, जस्ट मैंने यहाँ पे इसको प्रेस करा, मैंने कंट्रोल वी से मैंने यहाँ पे पेस्ट कर दिया है। अब आप जैसे ही इसको पेस्ट कर देंगे तो आप उसको हम रन करने का कंट्रोल फाइव सॉरी F5 का यूज कर सकते हैं, या अदरवाइज आप यहाँ पे देखेंगे प्ले का ऑप्शन आ रहा है, आप जैसे इसके बाद अपना कर्सर लाएंगे तो यहाँ पे देखो आपको शो हो जाएगा येलो कलर के अंदर रन सब या यूजर फोन, तो हमें यहाँ पे रन करना है और देखें यहाँ पे F5 का ऑप्शन भी आ रहा है। जैसे ही हम इसको रन करेंगे, रन करते ही हम अपनी एक्सेल शीट पे आएंगे तो आप देखेंगे कि हमारा फॉर्मूला वैल्यू में कन्वर्ट हो गया, ये देखिए, ये देखिए, जस्ट सिंपल से क्लिक के अंदर आप इसकी शॉर्टकट, आप यहाँ पे अपने मेनू बार के अंदर यहाँ पे आप शॉर्टकट बना भी सकते हैं इनका, क्या छोटी छोटी चीजों का कि आप कैसे, ये देखिए मैं आपको दोबारा बताता हूँ करके मैंने कैसे कराई है, जस्ट मैं इसको दोबारा से डिलीट कर देता हूँ, यहाँ पे दोबारा से वी लुकअप का यूज करता हूँ मैं। ये देखिए मैं तो मैंने यूज करा मैंने अंदर, देखिए मैं आपको समझाने के लिए मैं यहाँ पे, ये देखिए मैंने यहाँ पे दो चीज ओपन कर लिया, मैंने एक्सेल भी ओपन कर लिया है मैंने, एंड देन मैंने विजुअल बेसिक भी ओपन कर लिया है, तो मुझे अब इसी को कन्वर्ट करना है। तो मैं उस एरिया को सिलेक्ट करा मैंने रेंज को, और जस्ट मैं यहाँ पे अपने मैक्रो पे आया, मैक्रो पे आने के बाद जस्ट मैंने अपने यहाँ से F5 करके मैंने इसको रन करा, जैसे ही मैं रन करा
मैंने देखिए आप रन करते हैं, आपने देखा होगा यहाँ पे चेंजेस हुआ, इस वैल्यू में कन्वर्ट हो गया सारा। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, और प्लीज कमेंट बॉक्स में मेंशन करें कि आपको कौन सी ट्रिक ज्यादा आपको कौन सी ट्रिक्स आपको ज्यादा पसंद आई है, तो प्लीज आप इसको मेंशन करें कमेंट बॉक्स के अंदर। और मैंने व्हाट्सएप का एक, मैंने अगर आपको कोई भी इशू है, कोई भी आपको इंक्वायरी है, कोई भी आपको कोई प्रॉब्लम आ रही है एक्सेल के रिलेटेड, कोई भी इशू है, तो आप मेरे व्हाट्सएप ग्रुप पे या टेलीग्राम पे आप पोस्ट कर सकते हैं, उसका लिंक्स मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, आप वहां जाके उस ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। और आपका कोई भी इशू है, कोई भी इंक्वायरी है, तो आप वहां पे ड्रॉप कर सकते हैं, मैं जल्द से जल्द कोशिश करूंगा कि मैं उस इंक्वायरी को सॉर्ट आउट कर सकूं। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव ए गुड डे।